अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स मेरा नाम मसूद परवेज़ है आई एम प्रिंसिपल एस पी एम एंड ई एस पी एम कैम्पस सो आई वेलकम टू यू गाइज टू दिस पॉडकास्ट सीरीज़ आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो हमारी बड़ी होनहार ए uh, सी सी ए की स्टूडेंट हैं रिसेंटली उन्होंने अपना पेपर बड़े फ्लाइंग कलर्स के साथ पास किया है तो मैंने सोचा कि आपकी उनसे मुलाकात कराई जाए तो लेट्स वेलकम आर गेस्ट मिस मुकद्दस रुबाब प्लीज आए मुकदस आप वालेकुम अस्सलाम प्लीज बैठें कैसी हैं मुकदस आप ठीक है ठीक आप कैसी ओके तो मुकदस थोड़ा बताइएगा कि रिसेंटली आपने कौन सा पेपर दिया और उसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा रिसेंटली मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का दिसंबर एंड में पेपर दिया था और okay. मैंने आई गॉट 83% मार्क्स और ग्रेट एक्सपीरियंस अच्छा था बहुत सारी चीजें सीखने को सीखने को मिली विद द रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट

और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल भी आपको पसंद था या वर्किंग ओके okay, okay. तो आपको आ, कौन सी चार पांच की फैक्टर्स ने आ, जो हेल्प किया मार्क्स अचीव करने में आई कंसिस्टेंसी इज द अगर okay. आप अपनी स्टडीज में हमेशा रहते हैं रोज का काम रोज करते हैं तो दैट इज़ इतने अच्छे स्कोर करते हैं इसके अलावा right. आप फोकस बहुत ज़्यादा ज़रूरी पढ़ा है पढ़ाई में कंसिस्टेंट रहें रहें और तो फोकस ओके okay, तो आप कितने घंटे पढ़ती थी डेली ऑलमोस्ट थ्री टू फोर आवर्स कंसिस्टेंटली आपने डेली बेसिस uh, uh, पे तो व्हाट आर योर प्लान्स फॉर मार्च 24 अटेम्प्ट इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट पीएम फॉर मार्च अटेम्प्ट Last message, PM. Last okay. Paper. So PM you left earlier. Yes. And uh, you did your uh, financial management. What other papers you have passed? F6, F7, F8 and F9. I have cleared them. Okay. So you are only left with the PM yes, now. Sir. So you will be focusing uh, uh, on PM paper for March 24. Yes, uh, already you are taking classes or you are yes, now sir. planning to take classes? Uh, I am taking classes from SPM. सर ओके okay. okay, आप उनसे पढ़ रहे हैं आप ऑलरेडी ओके ग्रेट ग्रेट तो आ, आपका आ, थोड़ा सा टीचिंग आ, का भी फ्लेयर है तो उसके बारे में थोड़ा बताइए प्लीज रिसेंटली अब मैंने क्लासेस लेना स्टार्ट की अभी रिसेंटली एफ वन का बैच मैंने अपियर करवाया था एफ टू का भी करवाना है okay. तो टीचिंग का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है अब पढ़ा के बहुत मज़ा आता है अच्छा एफ ए वन के बच्चों को आपने फैसिलिटेट किया व्यूअर्स एक्चुअली जो मिस मुकद्दस रुबाब हैं Uh, she is working uh, as a teacher assistant as well in SPM. Yes. So सो लाइक यू सेड कि आपने uh, जो accounting accounting के paper को आप assist कर Okay. So इसका मतलब है कि moving forward आप financial management में भी assist कर रही होंगी yes, exactly. क्योंकि वो भी आपका एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट uh, है ओके okay, तो आप थोड़ा सा मुकद्दस अपने हॉबीज़ के बारे में बताएँ कि आपकी क्या हॉबीज़ uh, हैं

मैनेजमेंट है ना उसको अपना मेंटल जो है ना चेंज करना पड़ेगा मेंटेलिटी चेंज करनी पड़ेगी ओके okay. क्या शा, शाहीन शाह को आप क्या सजेस्ट करेंगी कि वो क्या चेंज करें वर्क हार्ड इनिशियली अब उसने अभी ही कैप्टनसी स्टार्ट की है ना तो हम इनिशियली hmm. उसे नहीं कह सकते कि आप हंड्रेड परसेंट परफॉर्म करें कंसिस्टेंटली वो इम्प्रूवमेंट लाएगा और क्रिकेट अच्छी होगी okay. हमने बाबर के साथ भी यही किया था ना हमने उसे यही कहा था कि हम हमें मैचेस जीतने हैं ऑल hmm. उसकी कैप्टनसी अच्छी थी कहीं कहीं मिस्टेक्स हुई थी बट स्टिल हम लोग सीखते हैं ना हर मैच से सीखते हैं वी ओके okay. 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 अच्छा अगर आप अपने फेलो कुलीग्स को, कोई तीन चार की पॉइंटर्स बताना चाहें फॉर मार्च ट्वेंटी फोरप्ट कि वो कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि उनका पेपर पास हो सो वट विल बी योर रिकमेंडेशन आपने पहले थोड़ी बातें की हैं लेकिन मैं चाह रहा हूँ आप उसको थोड़ा री इनफोर्स कर दें फर्स्ट ऑफ़ ऑल सबसे पहले आपको अपने साथ सिंसेयर होना है कि आपका मेन hmm. टारगेट क्या है आपका मेन टारगेट पढ़ाई है पढ़ाई आप आए किस लिए एस पी में पढ़ने के लिए hmm. आपने पढ़ना है उसके लिए आपको कंसिस्टेंटली रोज़ पढ़ना पड़ेगा जो सर करवाएंगे जो सर काम देंगे वो आपको करना है इसके अलावा खुद अपनी अपनी स्ट्रगल भी आपको साथ लगानी है अगर कोई चीज़ आपको टीचर से समझ नहीं आती यू हैव टू सर्च दैट ऑन यूट यूट्यूब पे मेरे डिफरेंट लेक्चर जाते हैं उसके अलावा डाइवर्ट नहीं होना hmm. अपनी स्टडीज ही फोकस रखना चाहिए तो ये आई थिंक आप आप आपका बड़ा हार्ड कोर्स स्टांस है कि डेली बेसिस पे काम करना Based है कंसिस्टेंट रहना है फोकस रहना hmm. है hmm. और सो uh, so, uh, मुकदस थोड़ा सा आप बताएंगी कि आप अपने आप को इफ आई से इयर्स डाउन द रोड तो आप अपने आप को कहाँ व्यू करती हैं इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन बट जस्ट एन एल्यूजन के हाउ यू व्यू योर सेल्फ टेन ईयर्स डाउन द रोड इसमें सोच तो कुछ नहीं सकती बट स्टिल यहीस्पेक्टेशन है कि किसी अच्छी जगह पर देखना चाहती हूँ अपने आप को ओके ओके चलें व्यूअर्स आई होप आपको मुकदस से बात करके बहुत अच्छा लगा होगा माई सेल्फ इज वेरी इंस्पायर्ड आफ्टर हेयरिंग योर व्यूज एंड माशाल्लाह काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं आप और अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबी दें और थैंक यू फॉर बिकमिंग पार्ट ऑफ़ आर पॉडकास्ट सीरीज़ थैंक यू फॉर मी ओके सेम हियर सो व्यूअर्स इंशाल्लाह आई विल बी कमिंग विद मोर गेस्ट और हम और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और व्यूज़ पर बात करेंगे आप अपना ख्याल रखें अल्लाह हाफिज़